हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व 8 पजल प्रॉब्लम विदाउट ह्यूरिस्टिक, जिसको आप कह सकते हो अनइन्फॉर्म्ड सर्च या फिर आप कह सकते हो ब्लाइंड सर्च। और ब्लाइंड सर्च में हम जनरली करते क्या है, जैसे या तो हम यूज करते हैं BFS, दिस इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च नहीं है, दैट इज अ इन्फॉर्म्ड एल्गोरिदम, ये है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। और जनरली ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे काम करता है, अगर ये मेरी स्टार्ट स्टेट है उसके सक्सेसर जो है हम फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उसके आगे सक्सेसर फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से हम आगे जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को मूव करते हैं। तो हम जनरली करते कैसे सॉल्व, पहले हम स्टार्ट स्टेट पे, फिर उसके बाद हम लेवल वन पे, लेवल वन को कवर किया, या आप कह सकते हो कि पहले डेप्थ वन के सारों को कवर किया, फिर हम जाते हैं डेप्थ टू पे, उनके सारों को कवर किया, फिर हम जाते हैं डेप्थ थ्री पे, उनके सारों को कवर किया, सारी नोड्स को कवर किया। तो मतलब सारे सर्च स्पेसेस, सारे स्टेट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं इन द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो यहां पे भी हम अनइन्फॉर्म्ड मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एजेंट, अगर हम एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या बोल रहे हैं कि एजेंट जो है इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिंपली आपको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है, 8 पजल प्रॉब्लम जनरली होती क्या है, ये मेरी स्टार्ट स्टेट है, गोल सेट है। आपने जनरली नॉर्मल एंड्रॉइड पे भी एप्लीकेशन है, उसमें दिया क्या होता है, या तो पिक्चर को रैंडमाइज वे में दिया होता है, अलग अलग बनाए होते हैं टाइल्स, या फिर नंबर्स भी दिए होते हैं इस तरीके से, रैंडम दिए होते हैं, और आपको उसको एक सीक्वेंस में करना है, या तो 1 2 3 इस तरीके से, या 1 2 3 4 5 6, वो भी गोल सेट आपको दी होगी। और यहां पे मेरे पास जो मूव्स है, मूव्स मतलब लीगल मूव्स, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, मतलब आप जो एम्प्टी स्पेस है, जो एक खाली वाली टाइल है, इसको आप लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कि वो कहां पे एक्चुअल में है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स से दिस इज माय स्टार्ट स्टेट। तो स्टार्ट स्टेट से ऑब्वियसली मेरी जो स्पेस है ये एम्प्टी स्पेस है, जिसको आप टाइल भी बोल सकते हो, ये एम्प्टी टाइल है। इस टाइल को देखो, या तो आप अप मूव कर सकते हो, राइट मूव कर सकते हो, या फिर डाउन मूव कर सकते हो, लेफ्ट नहीं कर सकते। तो बेस्ड ऑन दैट, अगर मैं इसको राइट मूव करता हूं, तो देखो कैसे बनेगा, राइट मूव करते ही ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, 1 2 3 4 6 7 5 8, ये है राइट मूव। ऐसे ही अगर मैं इसको लेफ्ट मूव करता हूं, लेफ्ट तो कर नहीं सकते, लेट्स से अपर, अगर मैं अप मूव करता हूं ऊपर की तरफ, तो ये क्या बन गया, 2 3 1 4 6 7 5 8। ऐसे ही अगर मैं इसको डाउन मूव करता हूं, आर यू डी का मतलब क्या है, डाउन, तो अगर मैं डाउन मूव करता हूं तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ये आपका डाउन मतलब 1 2 3 7 ऊपर आ गया, 4 6 5 8, देखो एम्प्टी जो है वो नीचे आ गया। तो ये तीन स्टेट्स जो है वो नेक्स्ट लेवल पे बनेंगी, ये लेवल वन है, ये लेवल टू कह सकते हो, या आप डेप्थ वन कह सकते हो। तो डेप्थ वन पे ये मेरी तीन स्टेट्स बनेंगी। तो एजेंट जो है इसको भी एक्सप्लोर करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, क्योंकि ब्लाइंड सर्च में या अनइन्फॉर्म सर्च में हम सारी नोड्स को कवर करते हैं। तो लेट्स से अगर मैं अब इसको कवर करता हूं, तो इसको कवर करने का मतलब क्या है कि ये जो मेरा सेंटर में आ गया स्पेस, अगर मेरा सेंटर में है, तो मेरे पास चार ऑप्शन है, अप मूव कर सकता हूं, राइट, लेफ्ट या डाउन। तो लेट्स से अगर मैं सबसे पहले डाउन मूव करता हूं, तो अगर मैं डाउन मूव करता हूं इसको इस तरीके से, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, डाउन मूव किया। लेट्स से अगर मैं इसको लेफ्ट मूव करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट मूव में 1 2 3 4 6 7 5 8, सिंपल। लेट्स सी अगर मैं इसको ये था लेफ्ट मूव किया था, तो लेफ्ट था, लेट्स सी अगर अब मैं राइट मूव करता हूं, तो राइट मूव में क्या बन जाएगा, इस तरीके से जो है वो आपको एक्सप्लोर करना है, 1 2 3 4 6 एम्प्टी स्पेस, 7 5 8, ऐसे ही आप इसको कर सकते हो। लेट्स सी अप मूव में करते हो, तो अप अगर आप करते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो इस तरीके से आपकी बन जाएगी, अप मूव में 1 स्पेस रह जाएगा 3 4 2 6 7 5 8, ये आपके पास जो है वो बन जाएगी। आप इसमें ऑब्वियसली लेफ्ट मूव अगर आप नहीं भी करना चाहते तब भी फाइन है, क्योंकि लेफ्ट मूव जब आपने किया तो ये अपनी जो पेरेंट स्टेट थी वही सेम होगी, लेकिन अगर इन केस अगर आप करना चाहो तो चारों मूव्स जो है वो कर सकते हो। तो यहां पे इसी तरीके से आपको ये जो स्टेट है इसको आप डाउन कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ऐसी अगर इसकी बात करें तो इसको आप अप कर सकते हो या फिर राइट कर सकते हो। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ सक्सेसर नोड जो है वो लेवल
3 पे, या कह सकते हो ये डेप्थ 2 होगी, ये डेप्थ 0 है, ये डेप्थ आपकी 1 है, ये डेप्थ आपकी 2 है। तो डेप्थ 2 पे इतनी सारी नोड्स जो है वो आगे बन जाएंगी। ऐसे ही फिर हम जाते हैं डेप्थ 3 पे। जब हम डेप्थ 3 पे जाएंगे तो ऑब्वियसली मैं ये वाला जो स्पेस है इसको राइट भी मूव कर सकता हूं और इसको मैं लेफ्ट भी मूव कर सकता हूं। तो लेट्स से अगर मैं इसको करता हूं, लेट्स से राइट मूव करता हूं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा एम्प्टी स्पेस, इस तरीके से जो है वो मैंने मूव किया। या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूं, लेफ्ट मूव कर सकता हूं। किसको? एम्प्टी स्पेस को लेफ्ट मूव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपका एम्प्टी हो गया, 7, 8 अगर मैं इसको लेफ्ट मूव करता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको हरेक स्टेट में जो भी इसकी मूव है, जो भी इसकी लीगल मूव बनती है, वो आपको एक्सप्लोर करते जाना है, सक्सेसर नोड क्रिएट करते जाना है, और आपको यहां से स्टार्ट करके ये पूरे लेवल को, फिर ये नेक्स्ट लेवल को, फिर ये नेक्स्ट डेप्थ को, इस तरीके से कवर करते जाना है। तो हरेक स्टेट में हम करते क्या है, वेदर इट इज माई गोल स्टेट, हम हरेक स्टेट में मैच करते हैं, वेदर इट इज माई गोल, इट इज माई गोल, इट इज माई गोल, गोल गोल नहीं। तो लेट्स से ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये देखो गोल स्टेट से मैच कर रही है, मैच कर रही है। जैसे ही गोल स्टेट से मैच कर गई, हम वहां पे स्टॉप कर देंगे। आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोल स्टेट आते ही हम क्या कर देंगे, अपनी सर्च को बंद कर देंगे, क्योंकि हमने गोल स्टेट को अचीव कर लिया। तो जनरली यहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग क्या है, ऑब्वियसली 8 पजल कैसे खेलनी है ये ही मैं यहाँ पे नहीं सिखा रहा, ये तो आप ऑब्वियसली अपनी रीजनिंग, अपने माइंड को यूज कर सकते हो। लेकिन एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अनइन्फॉर्म सर्च या ब्लाइंड सर्च कैसे काम करती है, क्योंकि बहुत जगह मटेरियल आपको मिलेगा जहां पे वो सिंपल खेल के बता रहे हैं कि लेफ्ट करो, राइट करो, ये करो। वो तो आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेट आपकी चेंज होती रहेगी। लेकिन यहां पे अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ब्लाइंड सर्च, अनइन्फॉर्म सर्च काम कैसे करती है, एक एक करके आपको सारी मूव्स जो है वो हरेक डेप्थ में जाके आपको एक्सप्लोर करनी है। एक तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट यहां पे अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी, अनइन्फॉर्म्ड के सर्च के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, वेयर बी इज अ ब्रांचिंग फैक्टर, ब्रांच फैक्टर भी बोल सकते हो, डी इज द डेप्थ ऑफ द ट्री। आप सर्च जो कर रहे हो, जैसे अगर इसकी बात करें तो देखो डेप्थ का मतलब क्या होता है कि रूट से लीफ कितनी दूर है। तो देखो 1, 2, 3 तो यानी डेप्थ कितनी है यहां पे, डेप्थ 1 हो गई, 2 हो गई और 3, यानी ये 3 डेप्थ पे आपको जाके अपनी गोल स्टेट यहां पे मिल गई। लेकिन ये तो एक सिंपल से एग्जांपल हमने लिया, वर्स्ट केस में याद रखना, वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है 3 raised to power 20, मतलब 3.5 बिलियन नोड्स तक आपकी हो सकती है, जिसमें 3 इज अ ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी जो है वो डेप्थ 20 है। अब यहां पे ब्रांचिंग फैक्टर अगर आपको निकालना हो, सिंपल सा तरीका है, ब्रांचिंग फैक्टर या हम एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर निकालते हैं। ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब है देखो, जैसे यहां से हमने स्टार्ट किया तो 3 ब्रांचेस बनी, कितनी लीव्स बनी या कितनी आप कह सकते हो चाइल्ड नोड कितने बने, 3। यहां पे चाइल्ड कितने बने, 4। यहां पे चाइल्ड बनेंगे 2। ये कैसे पता लग रहा है आपको, डिपेंड करता है एम्प्टी स्पेस कहां पे है। तो देखो एम्प्टी स्पेस अगर, लेट्स से अगर मैं ये लेके चलता हूं, एम्प्टी स्पेस अगर अगर यहां पे, यहां पे, यहां पे या यहां पे, इन चारों में से कहीं पे भी है, तो आप कितनी मूव कर सकते हो एम्प्टी स्पेस को, 2 ही मूव कर सकते हो, या तो इधर या इधर, या ऊपर या इधर। हर एक पोजीशन के हिसाब से आप कितनी मूव कर सकते हो, 2, मतलब इन चार पोजीशंस पे कितनी मूव्स पॉसिबल है, 2। अगर एम्प्टी स्पेस यहां पे, यहां पे, यहां पे या यहां पे है, तो कितनी मूव्स कर सकते हो, 1, 2, 3। ऐसे अगर इसकी बात करें 1, 2, 3, मतलब इन चारों में से कोई भी पोजीशन पे है तो आपके पास पॉसिबल मूव्स है 3। और अगर लेट्स सी एम्प्टी स्पेस फाइनली अगर इस पोजीशन पे है सेंटर में, तो कितनी पॉसिबल मूव्स है आपके पास, 4, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो इस पोजीशन पे अगर है तो आपको कह सकते हो कि 1 into 4, क्योंकि ये पोजीशन है, ये कितनी मूव्स पॉसिबल है, 4, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल स्पेसेस, कितने प्लेसेस आपके पास टोटल, 9। तो ये आपका बन गया 8 plus 12 24 divided by 9, which is 2 point something, it is 2.6 something। तो ये इसकी अगर आप अपर वैल्यू लेते हो तो ये क्या बन गया, अप्रोक्सीमेट एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर कितना बन गया,
तीन ब्रांचिंग फैक्टर बन रहे हैं। और डेप्थ निकालनी हो तो डेप्थ तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है केसेस पे, तो डेप्थ इसकी मैक्सिमम 20 तक जा सकती है, जो डेप्थ हमने यहां पे तीन में फाइंड आउट की है। तो एवरेज केस में तो ठीक है ये काम कर रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 3^20 तक जा सकती है, विच इज अ एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑब्वियसली एजेंट के लिए, मशीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो अनइंफॉर्म सर्च को यूज कर रहा है, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, मतलब जिस सॉल्यूशन को आप ढूंढ रहे हो वो सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। हाँ, इसको अगर आप बेटर करना चाहते हो या क्विक वे से करना चाहते हो, देन वी कैन यूज विद ह्यूरिस्टिक। तो विदाउट ह्यूरिस्टिक में याद रखना अनइंफॉर्म में, तो अगर आप नॉर्मल ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगा रहे हैं तो इसको हरेक चाइल्ड नोड पे, हरेक सक्सेसर पे सारी स्टेट्स को कवर करना है, फिर नेक्स्ट पे सारी स्टेट्स को कवर करना है, फिर नेक्स्ट पे सारी स्टेट्स को कवर करना है, और हरेक बार ये मैच करता है गोल स्टेट के साथ कि वेदर आई अचीव द गोल स्टेट और नॉट। एंड दूसरा पॉइंट रिलेटेड टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों पॉइंट्स बहुत जरूरी है, तभी आपको क्लियर होगा कि विदाउट ह्यूरिस्टिक में हम क्या डिस्कशन एक्चुअल में करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि विद ह्यूरिस्टिक अगर इसको करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।